MRI scans dikhari. Main ye sab dekhne yahan nahi aaya hu. Ye tamam drawings us shakhs ne banayi hai jiski aankhon mein thodi roshni hai, puri nahi. Maine yahan aane mein apni aakhri pai kharch di, one way ticket liya aur aap mujhe aatma se ilaaj ka paath padha rahi hai. Tum wo shakhs ho jo duniya ko seemit nazariye se dekh raha hai. Tumne us nazariye ko bada karne mein apni puri zindagi laga di taki duniya ko aur dekh sako, jaan sako. और अब जब तुम्हें दुनिया को समझने का मौका मिला है तुम उसे मानने से इनकार कर रहे हो? हाँ, मैं नहीं मानता क्योंकि मैं चक्रा और ऊर्जा और आत्मा जैसी परियों की कहानियों में विश्वास नहीं करता. आत्मा नाम की चीज नहीं होती. हम हार्ड मास के बने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं. हम बस एक बड़े ब्रह्मांड के अंदर पल भर के लिए जन्मे एक छोटे से कण है. तुम खुद को कमजोर समझते हो. ओह, आपको लगता है आप मुझे समझती? बिल्कुल नहीं. पर मैं आपको पूरी तरह समझ गया हूँ. तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर धकेल दिया. चाय में क्या था? कोई जादू, नशा? बस चाय और थोड़ा सा शहद. ये सब क्या हुआ? एक पल के लिए तुम रूहानी दुनिया में चले गए थे. किस दुनिया में? वहाँ जहाँ आत्मा शरीर के बिना रहती है. आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये दिखाने के लिए कि तुम कितना कुछ नहीं जानते. अपनी आंखें खोल. इसकी धड़कनें खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं. मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है. तुम्हें लगता है तुम दुनिया को बखूबी जानते हो. तुम्हें लगता है ये जिस्मानी दुनिया ही सब कुछ है. सच क्या है? ऐसे कितने रहस्य हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं? जीवन की बुनियाद में दिमाग और शरीर मिल जाते हैं. सोच हकीकत को आकार देती है. इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जिनका कोई अंत नहीं. कुछ दयालु और जीवन देने वाले, दूसरे भूख और ईर्ष्या से भरे. अंधेरी जगह जहां वक्त से भी पुरानी शक्तियां इंतजार में भूखी बैठी है. इस अनंत ब्रह्मांड में तुम कौन हो, मिस्टर स्ट्रेंज? क्या ये कभी किसी गिफ्ट शॉप में देखा है? मुझे सिखाइए. नहीं,